यह कहानी है मालानी के राजकुमार जगमाल की। जगमाल राव मल्लीनाथ जी का सबसे बड़ा पुत्र था। जगमाल बचपन से ही बड़ा बदमाश बालक था। वह इतना बदमाश था कि हर दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़े करता रहता था। राव मल्लीनाथ जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जगमाल नहीं माना। एक दिन बाड़मेर के सिणली गांव की कुछ लड़कियां कुएं से पानी भरने के लिए जा रही थी, तभी गुजरात का सेनापति वहां से अपनी सेना लेकर जा रहा था। उसने जब इन कन्याओं को देखा तो उसने इन कन्याओं पर हमला बोल दिया और सभी को बंदी बना लिया। सेनापति इन कन्याओं को पकड़कर गुजरात ले गया और वहां इन कन्याओं को गुजरात की राजकुमारी की नौकरानियों के रूप में पेश किया। गुजरात की उस राजकुमारी का नाम था गिंदोली। जब यह घटना हुई तो सिणली गाँव के सभी लोग मालानी के राजा मल्लीनाथ जी के पास गए। गाँव वालों ने सारी घटना मल्लीनाथ जी को सुनाई। मल्लीनाथ जी ने जब यह घटना सुनी तो वह गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। जब मल्लीनाथ जी युद्ध की तैयारी कर रहे थे तभी वहां पर जगमाल आ जाता है और वह मल्लीनाथ जी से सारी बात पूछता है। मल्लीनाथ जी उसे सारी घटना का वर्णन सुनाते हैं। जगमाल ने मल्लीनाथ जी से कहा कि क्या आप इस अभियान की जिम्मेवारी उसे सौंप सकते हैं। राव मल्लीनाथ जी ने उस पर विश्वास करके उसे यह जिम्मेदारी सौंप दी। जगमाल एक छोटी सी सेना तैयार करता है और गुजरात की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पर पता लगता है कि सारी कन्याएं कहाँ हैं। उसे पता चलता है कि वे सभी कन्याएं गुजरात की राजकुमारी गिंदोली की सेवा में हैं और राजकुमारी के महल की सुरक्षा बहुत ही कड़ी है। जगमाल को गुप्तचरों से पता चलता है कि राजकुमारी हर शुक्रवार को दरगाह पर जाती है और उसके साथ वह सभी कन्याएं भी जाती है जो राजकुमारी की सेवा में हैं। जगमाल गुरुवार को ही दरगाह के पास चला गया और वहां पर नकली घोड़ों का व्यापारी बन जाता है, जिससे कोई भी उस पर शक ना करे। राजकुमारी अपनी दासियों के साथ अगले दिन दरगाह की तरफ चल पड़ती है। जगमाल राजकुमारी की हर गतिविधियों पर नजर रखता है। राजकुमारी के साथ उसके अंगरक्षक भी शामिल थे। जगमाल के सैनिक राजकुमारी के अंगरक्षकों पर हमला कर देते हैं और जगमाल सभी कन्याओं को छुड़ा लेता है। जगमाल के सैनिक चंद अंगरक्षकों को मार गिराते हैं। जगमाल जब गिंदोली को देखता है तो वह गिंदोली को भी गिरफ्तार कर लेता है। जगमाल वैसे तो गिंदोली का अपहरण करता है, किंतु रास्ते में गिंदोली को जगमाल से प्रेम हो जाता है और जगमाल गिंदोली को लेकर मालानी आ जाता है, जहां पर जगमाल के लिए कहा जाता है कि गिंदोली वर्ती धरान गुड़ले ऊपर घाल मांडन स्यू लायो मर्द मालेरो जगमाल। दोस्तों, आज भी हमारे घरों में गणगौर पर जगमाल और गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।